ये अलमारी है, किस तरह से इस अलमारी को तोड़ा गया है, ये देखिए अलमारी जो है पूरी टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो सारा जो जेवरात थे वो इसी अलमारी के अंदर थे, तो आप दोनों बहनों के इसी के अंदर थे। वारदात हुई है तो जनता सुरक्षित कहाँ है? हम जैसे हमारी तो यही मांग है कि इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलाए। और पीछे जो एरिया है यहाँ का, यहाँ ये देखिए आप, ये पीछे जो आपने ये कवर कर रखा है, ये इनके पैरों के निशान है, उनको ढक रखा है और ये देख सकते हैं। और इसी साइड से वो अज्ञात जो चोर थे वो इस डंडे के ऊपर चढ़े हैं, दीवार को ऊपर से छलांग लगाकर घर के अंदर प्रवेश किया। 19 तारीख को हम रविवार वाले दिन कैंटीन में गए थे, फिर हम 1 बजे के करीब आ गए थे यहाँ से, हम 11 बजे के लगभग यहाँ से निकले थे, हम 11 बजे से। और फिर हमने 1 बजे आकर देखा तो बाहर का लोग को लगा हुआ था, फिर मैंने अंदर आके देखा तो यहाँ का लोग सोता हुआ था और फिर अलमारी खोल रखी थी, उसके अंदर से गहने वगैरह सब गायब थे, नकदी थी वो भी गायब थी। देखिए सुरेती जाकल के जो हालिया सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, क्या जानते हैं, जैसे ये इस तरह की सरेआम दिन दहाड़े चोरी कर ले जाना काफ़ी बड़ी निंदनीय घटना है। हाँ सर, ये बहुत एक दुखदायी बात है कि हमारे इसी गांव के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चोरी हो जाती है, और ये आज 3 दिन हो गए हैं इसको, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना इसको सॉल्व किया जाए, और इस ताकि इस तरह की आगे कोई चोरियाँ ना हो। तो ये दोनों भाई थे यहाँ पे, दोनों रहते थे, कितने सालों से मकान बना रखा है यहाँ पे? ये यहाँ तकरीबन जो है ना 8-10 साल हो लिए यहीं रहते हैं, और इसमें ये दोपहर की बात है, तकरीबन 10:30 और 12 के बीच की बात। तो इस तरह दोपहर में ये एक भाई तो सर्विस में है और एक दोनों रिटायर हैं। अच्छा, दोनों रिटायर हैं और दोनों जो है SPO हैं। दोनों SPO हैं महेंद्रगढ़ थाने में। हाँ, एक मंदिर कोर्ट में है और एक थाने में। अच्छा जी, दोनों महेंद्रगढ़ी हैं। दोनों महेंद्रगढ़ी। तो आप भी वहाँ SPO हैं? जी थाने के अंदर। जी सर। तो आपके मित्र हैं? मित्र है जी, हमारे साथी हैं जी। कैसे, क्या बताया इन्होंने? हाँ जी, इन्होंने मेरे को कॉल किया जी कैंटीन से आने के बाद कि ऐसे ऐसे बात होगी, तो मैं तुरंत अपने घर से यहाँ आया जी, और मौके पर हम सब ने देखा जी, और भी गांव के बहुत लोग थे जी मौजूद, सरपंच साहब भी थे, अड़ोसी पड़ोसी सभी थे जी। तो उन्होंने अलमारी को जी जो कुंदा कब्जा होता है ऊपर, उसको मोड़ करके दोनों तरफ का कब्जा साइड कर रखा जी, मतलब हटा के फिर आराम से वो लेके गए, पीछे से उधर से ही कूदे और उधर से ही आए थे। तकरीबन 50-100 मीटर जी पैर 6 जूते निकाले हुए थे, वहाँ तक नंगी पैड़े गई, उसके बाद उन्होंने जूते पहने आए थे। अब वो एक थे या दो थे ये कन्फर्म नहीं हो पाए जी हमारे, और पुलिस से हमें उम्मीद कर रहे थे, कल भी गए थे तो वो कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, कि हमें पूरा आश्वासन है, पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर, मैं हूं किशन सैनी। आज हम सुरेती जाखल में एक बार फिर मौजूद हैं। सुरेती जाखल में आप मेरे पीछे वो मकान देख सकते हैं, ये फौजी का मकान है, रिटायर फौजी है, और अभी ये सदर थाना में SPO लगे हुए हैं, और अभी मामला संज्ञान में आया है कि यहाँ पर लाखों रुपए की चोरी हुई है दिन दहाड़े, करीब 8 लाख रुपए की जेवरात की चोरी और नकदी की चोरी हुई है। तो आज यहाँ पर हम यहाँ इनकी ग्राउंड की रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं, किस तरह से आपको दिखाएंगे, प्लीज़ सारे साथी जो है इस खबर को आगे शेयर कर दें, हम पूरा यहाँ का वाक्य दिखाएंगे, किस तरह से चोरों ने किस साइड से आकर के और कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो पहले मैं इस साइड ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरे थे वो दूसरी दिशा में थे। अब ये पीछे का जो पोर्शन है, पीछे देखिए यहाँ पर मटरों की खेती की हुई है, और पीछे जो एरिया है यहाँ का, यहाँ ये देखिए आप, ये पीछे जो आपने ये कवर कर रखा है, ये इनके पैरों के निशान है, उनको ढक रखा है और ये देख सकते हैं। और इसी साइड से वो अज्ञात जो चोर थे वो इस डंडे के ऊपर चढ़े हैं, दीवार को ऊपर से छलांग लगाकर घर के अंदर प्रवेश किया, और यहीं से ही इनके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, और घर के अंदर हम चल के आपको दिखाएंगे किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। FIR भी दर्ज हो चुकी है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आ चुका है, CID की टीम भी यहाँ पर आई थी, CIA टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी देखिए यहाँ ये अंदर का दृश्य है, यार ये फौजी भाई हैं, ये दो भाई हैं यहाँ पर रहते हैं, और इनके पीछे देखिए ये जो ये मकान है जिस साइड से वो कूद के आए थे, ये वो दीवार है जिस साइड से वो कूद के आए थे, क्योंकि ये गेट तो बंद था, और
उसके परली तरफ कैमरे भी लगाए, लेकिन उस साइड से ना आ करके इस दीवार को छलांग लगा करके इधर आए हैं। और यहाँ से ये पूरा जो घर का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, अब वो भी हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ से, पहले उनके परिवार से बात कर लेते हैं, उनके घर से बात कर लेते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? अनीता। अनीता जी, तो आपके पति फौज में थे पहले? हाँ जी। तो अभी कहाँ नौकरी कर रहे हैं? वो महेंद्रगढ़ है, एसपीओ है महेंद्रगढ़ में, सदर थाना में। हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये कितने बजे की घटना है, कहाँ गए थे आप? ये 19 तारीख को हम रविवार वाले दिन कैंटीन में गए थे, फिर हम 1 बजे के करीब आ गए थे यहाँ से। हम 11 बजे के लगभग यहाँ से निकले थे, 11 बजे से। और फिर हमने 1 बजे आकर देखा तो बाहर का लोग तो लगा हुआ था, फिर मैंने अंदर आके देखा तो यहाँ का लोग टूटा हुआ था, और फिर अलमारी खोल रखी थी। अच्छा। उसके अंदर से गहने वगैरह सब गायब थे, नकदी थी वो भी गायब थी। करीब कितने लाख रुपए के गहने या नकदी गायब हुए आपके? कम से कम भी होगा चांदी वगैरह मिला के 8-9 लाख के करीब होगा। 8-9 लाख के आसपास था। तो ये आपका मतलब दोनों भाई ये रहते हैं यहाँ पे, फौज में थे जो दोनों भाई यहाँ रहते हैं, या फिर एक दूसरा? मैं रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप अकेले यहीं रहते हो? हाँ जी। तो ये जो कड़ी हैं वो दूसरे? ये मेरी बहन है बड़ी। अच्छा, आप इनकी बहन हैं। तो आप कहाँ थे जिस टाइम? जी साथ ही गई थी। अच्छा, आप भी कैंटीन में गए थे? अच्छा, तो हम तीनों गए थे, जैसे मेरे देवर और ये बहन और मैं, हम इकट्ठा जैसे सामान लेने गए थे वो आना। और आने के बाद जैसे ही हमने देखा तो बाहर का तो लोग था, हमने नॉर्मली खोला उसको, और अंदर आकर देखा तो जैसे ये सिस्टर ने अपना इसका देखा दरवाज़ा खुला है, फिर अंदर जाकर देखा तो और भी अलमारी बिखरी पड़ी थी सारी, जैसे उल्टा कर रखा था, लॉक वगैरह तोड़ रखे थे, उसके अंदर भी सारी गायब थी। तो कोई शक है, क्योंकि दौड़े दोपहर दिन दहाड़े ये ऐसे चोरी की घटना को वारदात, दिन दहाड़े जैसे ये वारदात हुई है, तो जनता सुरक्षित कहाँ है? हम जैसे हमारी तो यही मांग है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो किसी ने, कोई आस पड़ोस के लोगों ने या खेत में काम करने वालों ने, किसी ने नहीं देखा कि कौन लोग? हम जब आए 1 बजे तो साइड के खेत में 12:30 बजे की वो बोल रहे हैं कि हम 12:30 से यहाँ दवाई छिड़क रहे हैं, और हम जब आए थे 1 बजे थे, उस दौरान 12:30 से 1 बजे के बीच ये बोल रहे हैं कि उससे पहले कोई आया हो तो आया हो, हमें उसके बाद तो हमारे कोई आया नहीं। आप कितने बजे चले गए थे यहाँ से? हम चले गए थे जी 11:45 के करीब। अच्छा, गाड़ी लेकर निकल के बीच के दौरान ये? हाँ जी, उस बीच हुई ये घटना हुई है सारी। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हमारी तो यही मांग है कि जल्दी से इस पर कार्रवाई की जाए। आज हमारे घर पर अटैक हुआ तो कल को किसी और के घर पर होगा, और इससे पहले भी 3-4 साल पहले एक घर में हुआ था ऐसी रात के समय। तो पुलिस की कौन कौन सी टीम यहाँ पर आ चुकी है अब तक? सतनाली से आए थे थाना से, और यहाँ SCI इंडिया वाले आए थे, उन्होंने भी सारा जैसे रिकॉर्ड लिखा है। और यहाँ से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी कोई आया था कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट आए थे जी, लेकिन फिंगरप्रिंट उन पर आया नहीं किसी का। अच्छा, ग्लव्स वगैरह होंगे शायद उनके? अब ये तो देखिए जी, वो ही बता सकते हैं। प्लास्टिक पे कह रहे थे कि प्लास्टिक पे आता नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो पैड वगैरह भी उन्होंने जैसे दबा रखे हैं वहाँ पर? दबा रखे हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस सही तरीके से काम कर रही है? अब क्या पता, वो तो बता रखा है उनको करनी चाहिए जल्दी। आपको क्या लगता है करेंगे? उन्होंने कहा है कि जल्दी करेंगे। हाँ, कह रहे हैं वो तो, अब उनसे बात है। अभी जी उस दिन के बाद तो यहाँ जैसे टीम की तरफ से कोई आया नहीं है, बाकी हमारे हस्बैंड जो वो बात कर रहे हैं अब। ये कितनी तारीख की घटना थी जी? जी 19 तारीख रविवार सुबह हम यहाँ से निकले थे 11:45 के करीब, 1 बजे तो हम एंटर हो गए थे अपने घर में। तो रविवार के दिन तो कैंटीन भी शायद खुली नहीं थी जी? बुहाना की खुली रहती है वहाँ, हमारे पास रिकॉर्ड भी है उनके, कैंटीन बिल भी है। बुहाना की खुली, क्योंकि महेंद्रगढ़ बंद रहती है। अच्छा, बुहाना गए थे? हाँ जी, बुहाना गए थे। बुहाना में काफी टाइम लग गया होगा वहाँ पर? हम जी यहाँ से 11:45 निकले थे और हम 1 बजे यहाँ आ गए थे। अच्छा, क्योंकि हमें इतना ज्यादा सामान लेना नहीं था, तो गाड़ी लेके गए, गाड़ी लेकर गए थे और तुरंत आ गए थे। तो अंदर का भी दिखा पाएंगे कहाँ पर वो चोरी की गई थी, एक बार थोड़ा सा खोल के दिखा दीजिएगा। देखिए, सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप भी जागरूक रहें, और आप देखिए दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, और चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद है, क्योंकि पुलिस तो अपने तरीके से काम करती ही है, लेकिन खुद को भी जागरूक होना चाहिए। और हम यहाँ की अंदर की जो चीज़ें आपको दिखाएंगे, ये देखिए अलमारी है, इस अलमारी को, ये अलमारी है, किस तरह से इस अलमारी को तोड़ा गया है। ये देखिए अलमारी जो है पूरी टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये नीचे बिखरी हुई थी, ये टेडी बेयर से नीचे लगा रखा था, बिल्कुल उलट रखी थी। एक इसको छूटे, इसको खुला हुआ था। तो सारा जो जेवरात थे वो इसी अलमारी के अंदर थे? ऊपर वाले में जेवरात थे, नीचे वाले में मैंने। तो आप दोनों बहनों के इसी के अंदर थे? इसी के अंदर थे। चलिए देखिए, अब बाहर चलते हैं एक बार। तो ये यहाँ इस कमरे के अंदर
चोर घुसा है, तो वो जो गेट था वो भी आपका ये गेट खुला हुआ था, मैं आई तब इसका लॉक टूटा हुआ था। अच्छा, ताला लगाया हुआ था यहाँ पे, ताला वहाँ पे रखा हुआ था उधर साइड में प्लास्टर। अच्छा, और जो ये गेट था थोड़ा सा बंद करके गए हुए थे बस, वैसे खुला था, ताला तोड़ दिया था। तो देखिए, छोड़ के चले गए थे। जो गेट है, पहले उस दीवार से छलांग लगा करके अंदर आए, फिर इस गेट का ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने अलमारी का आपका दृश्य दिखाया, उस अलमारी को किस तरह से तोड़ा हुआ है, सूटकेस को भी तोड़ा हुआ है। नकदी के अगर बात करें तो कितनी नकदी के आसपास वहाँ पे? 15,000 के करीब थी वो। 15,000 नकदी थी, और बाकी सारा जेवरात था, सोना चांदी की जो ट्यूम थी आपकी? हाँ जी, वो थी, दोनों बहनों की मिला। तो शादी में आई हुई थी शायद, या खुद खरीदी हुई थी? शादी की भी थी, खरीदी हुई भी थी हमारी। अच्छा, दोनों मिला के थी। हाँ जी। तो देखिए, काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे, और करीब 8 लाख के समथिंग यहाँ पे जो इनके गहने थे वो दिन दहाड़े चोरी कर लिए गए हैं। और अभी जो है सतनाली थाना में इनकी FIR दर्ज हो चुकी है, और यहाँ पर सभी टीम आ चुकी हैं, लेकिन अभी ये इंतज़ार में है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद 2-3 दिन की बात हो गई है। संडे की ये चोरी की घटना थी, और आज देखिए 3-4 दिन के आसपास हो चुके हैं, अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो सभी से आग्रह करेंगे कि इस खबर को प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करें, और जितने भी इस तरह के चोर और जिस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़वाने में मदद ज़रूर करें। प्लीज़, जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, शेयर ज़रूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।